सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों ऐसा आप सभी के साथ में जरूर हुआ होगा कि भैया आपको खरीदनी है एक नई केबल अपने किसी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए, फॉर एग्जांपल आपको परचेज करनी है एक HDMI केबल अपने नए टीवी के लिए, लेकिन आप होते बाद में कंफ्यूज क्योंकि जो केबल है वो भैया 100 रुपए की भी है, 1000 की भी है, 5000 की भी है। तो आपको दोस्तों यहाँ पे सबसे बढ़िया पिक्चर क्वालिटी कहाँ मिलेगी, आज मैं आपसे इस वीडियो में उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। मतलब यार आप अपने सिटी में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में घुस जाओ, आपका सिर्फ एक मकसद है कि आपको एक सिंपल HDMI केबल खरीदनी है और काम खत्म। लेकिन यहाँ पे सामने से आता है सेल्समैन आपके पास में और पूछता है सर कहाँ लगाओगे, और अगर आपने नाम ले दिया किसी महंगे टीवी ब्रांड का कि भैया मेरे पास तो सोनी का टीवी है, सैमसंग का है, LG का है वगैरह वगैरह, तो सामने से आएगा सजेशन एकदम टेक एक्सपर्ट की तरह कि मैं आपको दिखाता हूँ केबल बढ़िया वाली, ये वाली ले लो, ये काफी बढ़िया है, इसमें आपकी पिक्चर क्वालिटी साउंड क्वालिटी एकदम बढ़िया आएगी। कीमत कितनी है सर? 2000 की है, 3000 की है। वो 100 रुपए वाले केबल में क्या नुकसान है? सर वहां पे ना पिक्चर क्वालिटी उतनी बढ़िया नहीं आती है। और आप जो होते हो वो होते हो कंफ्यूज, दिमाग में ये भी आता है कि यार मैंने टीवी लिया है 1 लाख का, तो मतलब अब इतना तो खर्चा करना बनता है अगर मेरे को चाहिए अच्छी पिक्चर क्वालिटी। दोस्तों आपको बता दूं ये सारे मिलके आपको बना रहे हैं पागल। बेसिकली HDMI केबल्स वगैरह जो हैं उसमें चाहे 100 रुपए की हो, चाहे 1000 की हो, चाहे 1 लाख की हो, बात बराबर है, पिक्चर क्वालिटी केबल पे डिपेंड नहीं करती है। दोस्तों पहले के टाइम में ऐसा हुआ करता था जब हम यूज करते थे एनालॉग केबल्स को, फॉर एग्जांपल आपकी VGA केबल, फॉर एग्जांपल दोस्तों यहां पे वो ऑडियो वीडियो वाली वो सफेद और पीली वाली केबल, फॉर एग्जांपल RCA केबल्स वगैरह, जहां पे जो डेटा हम करते थे ट्रांसफर होता था एनालॉग नेचर में, तो वहां पे जो केबल्स हैं अगर वो एक अच्छे गेज के वायर से बनी है, अगर वहां पे अच्छी प्रॉपर शील्डिंग है, तो आपको काफी बेहतर सिग्नल मिलता था। एक अगर आप करते हो कंपेयर, तो आप देख पाते थे कि हाँ भैया ये केबल एक अच्छी वाली है, ये केबल अच्छी वाली नहीं है। लेकिन जब से हम आए हैं आगे डिजिटल की दुनिया में, मतलब जैसे HDMI ये फॉर एग्जांपल वो डिजिटल पे काम करता है, जहां पे जो आपका डेटा होता है ट्रांसफर वो है सिर्फ 0 और 1 की फॉर्म में, तो ऐसे में वो जो केबल है वो या तो काम करेगी या फिर काम नहीं करेगी। मतलब जब भी आप किसी दो डिवाइसेस को उसको करते हो आपस में कनेक्ट उस केबल से, तो वो आपस में पहले एक हैंडशेक की प्रोसेस से गुजरते हैं जहां पे वो दोनों ही कंफर्म करते हैं कि हां जो डेटा मैं भेज रहा हूं उधर को मिल रहा है, हां मिल रहा है, हां सब कुछ ठीक है, तो दिखा दो सामने डिस्प्ले की जो भी आपको देखना है। और अगर वो डेटा नहीं मिल पा रहा है, हैंडशेक नहीं हो पा रहा है, तो आप स्क्रीन पे कुछ भी नहीं देख पाओगे, बड़ा ही सिंपल है। तो यहां पे पिक्चर क्वालिटी का इंप्रूव होना 100 रुपए की केबल और 1000 रुपए केबल के बीच में, ये बिल्कुल उसमें गलत है, आपको प्लीज इस बात पे भरोसा नहीं करना चाहिए। यहां पे आपको बता दूं कि आपको सिर्फ एक स्टैंडर्ड देखना है HDMI का, फॉर एग्जांपल आपका डिवाइस जो है, या फिर अगर आप देख रहे हैं मान लीजिए 4K में या 3D वगैरह में, तो वहां पे HDMI के अलग अलग स्टैंडर्ड उसमें अवेलेबल है, HDMI का वर्जन 1.4 है, वर्जन 2 वगैरह है, तो वो आप बस एक बार चेक कर लो। लेकिन जो केबल क्वालिटी बोलते ना कि इंप्रूव हो जाएगी, बढ़िया पिक्चर साउंड मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहां पे जो महंगी वाली केबल है, हो सकता है कि वहां पे जो आगे का कनेक्टर है वो होगा गोल्ड प्लेटिंग वाला, जहां पे आप उसको ज्यादा बार प्लग इन प्लग आउट कर सकते हो, भैया जो उसका ड्यूरेशन होगा वो काफी कम होगा। मान लीजिए कि उसके अंदर जो आउटर कोटिंग है वो काफी अच्छी है, काफी प्रीमियम है, केबल काफी ड्यूरेबल हो सकती है, वो दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस के अगेंस्ट काफी सिक्योर हो सकती है, तो वो एक बात समझ में आती है महंगी केबल में। लेकिन जो आपकी पिक्चर क्वालिटी है ना, उस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता अगर आप काम में लेते हो डिजिटल केबल्स को। अब यहां पे हम आगे दोस्तों बात करते हैं केबल लेंथ के बारे में। कई बार हमको लगता है कि जो महंगी केबल है उसको अपन ज्यादा लंबा यूज कर सकते हैं, जो सस्ती वाली केबल है उसको हम इतना लंबा यूज नहीं करेंगे। फिर कई बार दिमाग में यह भी आता है कि केबल लेंथ इससे क्या फर्क पड़ता है यार, केबल तो केबल है। तो यहां पर दोस्तों आपको बता दूं कि यार जैसे जैसे आप लेंथ को बढ़ाओगे वैसे वैसे जो आपका सिग्नल है उसमें लॉसेस बढ़ेंगे, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसके आगे आपकी केबल काम नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल सिंपल HDMI में जो केबल लेंथ दोस्तों है रिकमेंडेड वो है 15 मीटर की। अगर आपको 15 मीटर के लंबे डिस्टेंस पे HDMI को यूज करना है, तो या तो आपको यूज करनी पड़ेगी एक्टिव केबल्स जहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स उसके अंदर ही लगा हुआ है जो सिग्नल्स को बूस्ट करता है, या फिर आपको एक रिपीटर को यूज करना पड़ेगा। अगर आप यूज करते हो USB 2 बेस्ड स्टैंडर्ड, तो जो केबल लेंथ है वो है 5 मीटर के लिए। 5 मीटर की लंबी केबल पे लेके जाओगे तो सिग्नल आपका काम नहीं करेगा ठीक से, बिल्कुल भी आपकी परफॉर्मेंस आपकी वीक हो जाएगी। USB 3 में ये 3 मीटर है, USB 3.1 में 1 मीटर है, तो आपको वो बात का ध्यान रखना है। और अगर आप यूज करते हो एनालॉग सिग्नल्स, फॉर एग्जांपल आपका स्पीकर सिस्टम जो है उसकी जो केबल्स हैं वो डेफिनेटली अगर महंगी केबल्स हैं, अगर अच्छे गेज वाली केबल्स हैं, तो आपको मिलेगी बेहतर परफॉर्मेंस, वो बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन प्लीज उस चक्कर में मत पड़ना कि जो HDMI केबल है वो 100 रुपए वाली घटिया है और 500 वाली बढ़िया है और 5000 वाली उससे ही बढ़िया है और यहां पे सोना चांदी लगा है च्यवनप्राश क्या क्या, उस चक्कर में मत पड़ना। यहां पे सारी केबल्स एक जैसी हैं,
काम करेंगी या नहीं करेंगी, बेस्ड ऑन कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको कितनी बार वो केबल यूज करना है, आपको कितनी बार प्लग इन प्लग आउट वगैरह करना है, उस पर डिपेंड कर सकता है कि वो केबल जो भैया वो महंगी वाली चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर आपको सिंपल एक बार टीवी के पीछे कनेक्ट करके छोड़ देना है लाइफ टाइम के लिए, तो केबल फिर चाहे कैसे भी हो वो आपके बिल्कुल ठीक काम करेगी। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो देखकर थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा केबल्स के बारे में और आप बाद में अपना सही फैसला ले पाएंगे। अगर आपको सलाह सुझाव होता है नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक भी दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।